जो अमल हम दुनिया में करेंगे अल्लाह के फजल व करम से उसका सिला आखरत में पाएंगे। दुनिया में भी मिल जाता है। हो सकता है किसी के जहन में यह सवाल पैदा हो कि ये तो बड़ा मसला है कि दुनिया में हम सिर्फ अमल करते रहें और अगर उसका सिला आखरत में मिले तो जो ज़िंदगी गुजरेगी मौत तक और मौत के बाद तक उसका क्या होगा और बरज़ख में जो होगा उसका क्या होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। बरज़ख का मामला तो इंतकाल के फौरन बाद ही शुरू हो जाता है, वो एक अलग इशू है बिल्कुल, यानी वो बिल्कुल अलग मसला है। इनामात तो वहीं से शुरू हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आपसे सारी नेकियां इस पर करा ली जाएं कि सबका सिला आखिरत में मिलेगा, दुनिया में आपको कुछ नहीं मिलेगा। अगर हम गौर करें तो दुनिया में हमें इतनी नेमतें मिली हुई हैं कि जिनकी तरफ हमारी तवज्जो भी नहीं है और हमने उन नेमतों को नज़रअंदाज कर दिया है। हमने सिर्फ आसाइश को नेमत समझ लिया है और मुश्किल वहीं से होती है जहाँ से हम अपने एतबार से अशिया की तारीफ शुरू करते हैं, यानी जहाँ से हम ये समझना शुरू करते हैं कि ये नेमत है मेरे ख्याल में, वहीं से दुश्वारी शुरू होती है। यानी अगर हमें पेट भर के खाना मिल गया तो हम सोचते हैं कि वो क्यों नहीं मिला जो हम चाह रहे थे, लेकिन आपने ये नहीं सोचा कि जो कुछ आपने खा लिया शायद कोई ऐसा भी शख्स होगा जिसको वो भी नहीं मिला होगा। तो जब हम अपने से नीचे के मामलात पर गौर करना शुरू करेंगे तब कहीं जाके ये बात तय होगी कि असल मामलात क्या हैं और कहाँ हैं। तो कुरान मजीद इंसान की जो तरबियत फरमाता है वो ये है कि इंसान जो है वो अपने दुनिया और अपनी आखरत के उमूर में गौर जारी रखे। इसीलिए लअल्लकुम ततफक्करून फिद्दुनिया वल आखिरा, कि कहीं तुम गौर फिक्र करो दुनिया और आखरत के कामों में। इससे आगे एक बहुत अहम मज़मून है, इरशाद है, वयसअलूनका अनिल यतामा, मोमिनीन आपसे यतीमों के बारे में सवाल करते हैं। कुल इस्लाहुल्लहुम खैर, आप फरमा दीजिए उनके भलाई बेहतरीन काम है। व इन तो खालितूहुम, अगर तुम इनका साजो सामान, इनके खाने पीने का सामान अपने सामान में मिला भी लो, फ़इख्वानुकुम, तो वो तुम्हारे भाई हैं। वल्लाहु यालमुल मुफ्सिद मिनल मुस्लिह, अल्लाह जानता है कि मुफ्सिद कौन है, मामलात को ख़राब कौन करना चाहता है और ठीक कौन रखना चाहता है। वलौ शा अल्लाहु लअअनतकुम, अगर अल्लाह चाहता तो तुम्हें तकलीफ़ में डाल देता। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, बेशक अल्लाह गालिब है, कुदरत वाला है। इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, और बेशक वो हिकमत वाला है। दरअसल जब सूरह निसा की यह आयत करीमा नाजिल हुई, इन्नल्लज़ीन याकुलून अम्वालल यतामा ज़ुल्मन, तो लोगों को परेशानी हुई। आयत करीमा का तर्जमा है, बेशक वो जो यतीमों का माल जुल्म करके खाते हैं। इन्नमा याकुलून फी बुतूनिहिम नार, बेशक वो अपने पेटों में आग खाते हैं, पेट में आग भरते हैं। तो मोमिनीन का मामला ये था, वो चूंकि मुखलिस थे, खशियत इलाही और मोहब्बत रसूल, ये दो उसूल उनके ज़िंदगी के बुनियादी उसूल थे दीनी मामलात में। तो उनके जहन में ये बात हुआ करती थी कि अल्लाह और उसका रसूल किसी सतह पर नाराज ना होने पाए। तो अब मोमिनीन को तश्वीश हुई, उन्होंने कहा ये तो बड़ा मसला है कि अगर हम यतीमों के लिए अलग से खाना पकाएं और अपने लिए अलग से खाना पकाएं तो अब इनका माल अगर ज़ाया होगा तो फिर क्या करेंगे, क्योंकि ज़ाया होने का ख़तरा तो है। ऐसे कि अगर खाना बच गया तो क्या होगा उस सूरत में, या कुछ और भी मामलात होंगे
जहां थोड़ी बहुत बेहतियाती बहरहाल हर सूरत में हो सकती है, और बेहतियाती ना भी हो तो जो कुछ भी जाया होगा वो यतीम का माल है। देखिए उस जमाने में छोटे छोटे से मामलात को, यानी बाल से बारीक मामले को भी बड़ा अहम समझा जाता था। हमारा जमाना यह है कि हम बड़े से बड़े मामले को भी कोई अहमियत नहीं देते। हम समझते हैं कोई बात नहीं, हो जाएगा, कोई बात नहीं, कर लेंगे। इसीलिए कभी कभी छोटे छोटे बेहतियातियों से नुकसान हो जाता है, बड़ी बड़ी बातों से नुकसान नहीं पहुंचता। हमने जिसको छोटी बात समझा हुआ होता है, असल नुकसान वहीं से होता है। और जैसे हम बड़ी बात समझते हैं उससे तो हम एहतियात कर ही लेते हैं। तो मोमिनीन ने, सहाबा रदिल्लाहु तआला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से फिर अर्ज किया कि अब फरमाइए कि हम इनके मामलात का करें क्या। यतीम की जिम्मेदारी से ओहदा बरा भी होना है, यतीम को तनहा भी नहीं छोड़ा जा सकता, क्योंकि तनहा छोड़ दें तो उनके तहफ्फुज़ के हिफाजत की जिम्मेदारी कौन ले। यतीम उस शख्स को कहते हैं जिस बच्चे का बाप उसके बालिग होने से पहले मर जाए।